1993 उस समय पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी ममता बनर्जी। उनके द्वारा राइटर्स बिल्डिंग का वो मार्च जो उस वक्त का तत्कालीन मुख्यमंत्री का जो है मुख्य दफ्तर हुआ करता था, एक बहुत बड़ी रैली निकलती है। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है, 13 लोगों की उस वक्त जो है मौत हो जाती है। ये वो वक्त था जिसके बाद से लगातार 26 साल, ये वर्ष 2019 है और ये 21 जुलाई का 26वां साल है और आज तक जो है शहीद दिवस बड़े पैमाने पर मनते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुर चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं विद्यासागर सेतु, जिसे सेकंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो है रैली अभी शुरू नहीं हुई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जिले से जो लोग हैं बस और छोटे छोटे वाहनों से जो है रैली की तरफ में बढ़ रहे हैं। मुख्य तौर पर पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली के रहने वाले तमाम लोग जो है वो संगीत के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से जो है निकल करके रैली की तरफ, धर्मतल्ला का वो ऐतिहासिक स्थल जो है वहां के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जनसभा जब होती है तब दूर दराज के जिलों से भी लोग आते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में जो है दूर दराज जिलों के लोग आते हैं, मुख्यमंत्री को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए तमाम सारे जिलों से आते हैं। वैसे ही एक जिला है घटाल, जहां के लोग आए हुए हैं और ये सुबह 7 बजे से जो है घटाल से निकले हैं लोग। 150 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और जब ये यहाँ पहुंच चुके हैं, ये इलाका जो है बाबूघाट इलाका है जहाँ पर इनकी बस पार्क की गई है और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ में ये लोग निकले हुए हैं। ऐसे ही पूरा खाने पीने की व्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं जो मतलब काफ़ी सुबह सुबह यहाँ पर निकले हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो दादा कौन थे बिरिए चेन अपनी चौकल बेला अच्छा कत लोग आसते नहीं बढ़िया चीज है, देखता है सब किसी मीटिंग आया है, ममता के भाषण सुनने आया है। एक ऐसी सोच है जिस सोच के साथ में जो है लोग तमाम सारे आज यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा काफ़ी परिवार है। हमने आगे ही कुछ देर पहले जो है तुम लोग से आए हुए एक परिवार से भी मिला। ये सुबह अगले दिन जो है मतलब कल रात से ही मतलब यहाँ पर आकर के पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से अगर आप यहाँ का नज़ारा देखें, यहाँ पर बाकायदा कोलकाता पुलिस की तरफ से जो है बाकायदा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की करके रखी गई है और लोगों को जो है अच्छी तरह से उनके गाड़ी को पार्क वगैरह करके रखा गया है। तमाम सारे लोगों को जो है बार बार यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बाकायदा उनके लाउडस्पीकर में जो है गाइडेंस उन्हें बताए जा रहे हैं किस तरह कहाँ गाड़ी पार्क करनी है। कितने लोग हैं वो अपने तमाम सारे प्रतिनिधि के साथ में ही जुड़े रहें और कोई भी इस तरह की भीड़ में गायब ना हो जाए, कोई गुम ना हो जाए। जिनके साथ में खड़ा हूँ ये पूरी महिला मंडल है और ये गंगा सागर से जो है ये सब लोग आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ में और जिस तरह से आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो है ये लोग हैं। ऐसी कुछ महिलाओं के साथ में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे आखिर है जो ये आज इतनी ज्यादा संख्या में आए हैं। कहाँ से आ रही है मैम? गंगा सागर से आए। गंगा सागर से आ रही है। कितनी महिलाएं हैं आप? हम लोग यहाँ 30-40 महिलाएं। 30-40 महिलाएं हैं आज के दिन यहाँ पर आई है, मुख्यमंत्री जो है अपना संबोधन देने वाली है, क्या कुछ उम्मीदें लेकर गई है? एक हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारा
जो मुल्क के लिए सब अच्छा करता अच्छा ही हो इसके लिए आया। आप खुद गंगा सागर से आ रही हैं और वहाँ पर मकर संक्रांति के समय में जितना बड़ा मेला लगता है, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे। हाँ, उनके हाँ, क्या कुछ चाहती है गंगा सागर के लिए और क्या कुछ किया? और अच्छा उन्नति हो और अच्छा हो वहाँ के लिए। 50 लोग हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज शहीद दिवस है, आप पहली बार आ रही हैं? हाँ जी, मैंने पहली बार उतने साल में आता थे, पहले साल के आता थे काम करने थे। अच्छा, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार? इस बार तो अच्छा है, सब लोग आ गए तो बहुत अच्छे है। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में जो ये महिलाएं पहुंची हुई हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन सुनने के लिए आई हुई हैं कि क्या कुछ जो है आज का 21 जुलाई के शहीद दिवस पर जो धर्मतल्ला में वो संबोधन करेंगी, तो क्या कुछ आज वो कहती हैं, किस तरह की तमाम सारी राजनीति का चीजें जो है वो सामने आती हैं और आम लोगों को जो है क्या कुछ वहां से मिलने वाला है। घुटते से चो की देख ले, बाघ, भालू, जेबला, होली, पाखी, सांप। माने हाँ प्रथम बार ऐसी वही मीटिंग माध्यम है, माने इटा देखा हुई गेलो चिड़ियाखाना। हाँ सुनते बार जाबो चिड़ियाखाना थे जार पूरे दिन मीटिंग सुनने नहीं जाओ बाड़ी। बाघ, चीता, हरिण, सांप, ओ जगह सांप के उठे। आज यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चिड़ियाखाना घूम रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? क्या इसमें कुछ बहुत कुछ जंतु जानवर है और क्या है जो पशु पक्षी सब कुछ देखा है। मुझे आगे पहले था हम लोग आया है उसके बाद ये अच्छा है। हम लोग भी झारग्राम जिला से आया है। झारग्राम जिला से आ रहे हैं, तो आज यहाँ चिड़ियाखाना घूमने के लिए आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियाखाना अभी तो बहुत दिन आया नहीं है, बहुत सारे कुछ जंतु जानवर भी पहले से बहुत कम हो गया, अभी ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी जो हाल हुआ है दीदी का अभी तो ठीक ही है, हम लोग का कोई ये नहीं है। और जो अब एक इसका बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें हम लोग दीदी पूरा फिर आएगा। ये एक ऐसा महत्व है इस दिन का, आप ऐसे कई परिवारों को पा जाएंगे जो शायद पहली बार महानगर में आ रहे हैं, इस चमक धुमक की दुनिया को पहली बार सामने से देखने का मौका मिल रहा है इन्हें। इन लोगों के लिए भी एक नया अनुभव है और इस अनुभव को साझा करने के लिए जो है एक बड़ी संख्या में जो है आपको यहाँ लोग मिलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग आपको विक्टोरिया मेमोरियल और काफी ऐसे जगह पर जो है जो महानगर के काफी ज्यादा जो है पर्यटन स्थल है वहां पर आपको मिलने को देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ में और भी बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ अनुभव कर रहे हैं वो लोग। कैमरा पर्सन प्रत्यय मुखर्जी के साथ मैं मधुर चतुर्वेदी, सन्मार्ग, कोलकाता।